मास्टर महाराज आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसा टूल बताऊंगा जिस पर या अगर न रहते मशीनें जो बनती हैं या संभव चीजें करना संभव हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। कौन टूल है और इस वीडियो को देखने के लिए शुरू से अंत देखिएगा। अभी भी छोड़ जाएंगे ज्ञान अधूरा हो जाएगा। और नए लोग हैं तो मास्टर माइंड ट्रिपल एस में सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। ये टेप एंड डाई की बताऊँगा। टेप डाई क्या होता है? नट बोल्ट गाड़ियों में फिट होते हैं, मशीनों में फिट होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के, परंतु कुछ दिन चलने के बाद वह आवाज़ आने लगते हैं या गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि चूड़ियाँ इसकी खराब हो जाती है, चूड़ियाँ खराब हो जाती हैं। चूड़ियाँ कैसे खराब होती हैं? जैसे कि नट है चाहे बोल्ट में चूड़ियाँ खराब होती हैं। तो ये चूड़ियों को सुधारने के लिए क्या करते हैं? शुरू शुरू में या टेप लगा देते हैं या वेल्डिंग मार देते हैं चाहे कपड़ा बांध देते हैं। वेल्डिंग मारने पर तो हो सकता है टेम्पररी रुक जाए, कुछ साल तक रुक जाए, पर कपड़ा बांध देने के बाद चाहे टेप लगाने के बाद फिर वैसे जैसा था वैसा हो जाता है। तो ऐसा क्या किया जाए, क्या टूल अपनाया जाए जिसकी सहायता से आसानी के साथ कार चूड़ी बना दिया जाए और समय बहुत कम लगे? तो वह है टेप एंड डाई। यहाँ देखिए ये टेप है, ये डाई है। तो इसमें टेप क्या काम होता है? टेप क्या काम होता है? टेप के द्वारा बोल्ट में नहीं सॉरी नट में या पाइपों में अंदर चूड़ी बनाया काम आता है। डाई में क्या होता है? डाई में पाइप में या नट के बाहरी हिस्से में चूड़ी बनाने का काम। इस तरह समझिए, ये टेप में अंदरी चूड़ी बनाने का काम आता है और डाई में बाहरी चूड़ी बनाने का काम आता है। ये चीज़ है। अब देखिए ये चीज़ बताया हूँ। टेप कौन कौन से होते हैं? टेप तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टेप मतलब फर्स्ट वगैरह बड़े काम काम के लिए होता है। सेकंड टेप उसको मीडियम जो मटेरियल का हटाने के लिए। सेकंड थर्ड टेप क्या होता है? थर्ड टेप वो होते हैं जो कि फिनिशिंग किया जाता है, उसके लिए होता है। डाई क्या काम है? डाई कितने प्रकार के होते हैं? डाई मतलब सॉलिड डाई, प्लेट डाई, अल्जेटेबल डाई आदि आते हैं जिसके लिए होता है। इन दोनों का मटेरियल क्या क्या होते हैं? दोनों मटेरियल एक ही होता है। ये हाई स्पीड इश्यू होते हैं, हाई कार्बन इश्यू होते हैं, ये चीज़ होते हैं। और इसके बाद ये आपको भागों के नाम बता रहा हूँ, कौन कौन से भागों के नाम है। देखिए बाडी है, सैंक है, टाइम है, फ्लूट है, थ्रेड है, लीड है, कटिंग फेस है। इसमें भी देखिए बाडी है, कटिंग एज है, ये आपका चैम्फर बना हुआ है, आद है। आज के लिए इतना ही। और जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आरटीआई हो चाहे पॉलिटेक्निक हो चाहे अन्य मैकेनिक जो काम कर रहे हैं, चाहे ऑटोमोबाइल चाहे बिल्डर संबंधी चाहे फ्यूचर संबंधी काम कर, उनके लिए उपयोगिक है। आज के लिए इतना ही। और बाद में लास्ट नहीं कहूँगा, मेरे मास्टर माइंड में अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। और कमेंट लाइक कर लीजिएगा। नमस्कार।